नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। धनपुरी के SECL सुहागपुर एरिया की अनेक खदानों से माल वाहनों द्वारा कोयला लोड कर बाईपास मार्ग से वुढ़ार के रेलवे साइडिंग के लिए ले जाया जाता है, लेकिन रात में इन वाहनों द्वारा सड़क किनारे वाहन खड़ा करके बहुत सारा कोयला गिरा दिया जाता है और सड़क किनारे गिरे हुए इस कोयले को स्थानीय लोग बोरे में भरकर ले जाते हैं और कालाबाजारी करते हैं। अधिक जानकारी के लिए बढ़ते हैं हमारे सहयोगी अमन की ओर। जी अमन, एक बहुत बड़ी खबर धनपुरी SECL सुहागपुर एरिया से आ रही है। क्या कुछ हो रहा है वहां और कितना सारा कोयला वहां डंप कर दिया जाता है, कैसे किस और किसके द्वारा ये सब किया जा रहा है? देखिए, इन खदानों में, सुहागपुर एरिया की खदानों में जो खनन कार्य होता है कोयले का, वे जो कोयला निकलता है वहां से उसे ट्रकों में लोड किया जाता है और बाईपास के जरिए उसे बुढ़ार रेलवे स्टेशन तक लाया जाता है और फिर रेलवे स्टेशन से उसे देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है जहां उसकी जरूरत है। तो ये जो रास्ता है खदान से लेकर के रेलवे साइड तक का, इस बीच में वाहन चालकों द्वारा क्या किया जाता है कि रास्ते में ही वाहन रोका जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में कोयला सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। और जो वहां के जो स्थानीय लोग हैं, तस्कर हैं, चोर हैं, ये कोयला इकट्ठा करते हैं और जिन लोगों को जरूरत है कोयले की, या तो ईंट भट्टे वाले लोग या ईंधन के रूप में जो कोयले का इस्तेमाल करते हैं, जिनको भी जैसी भी जरूरत है उन्हें वो ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। तो ये गलती जो की जा रही है वाहन चालकों द्वारा, जानबूझकर की जा रही है या धोखे से कोयला गिर जाता है, लेकिन अगर धोखे से गिरता तो एक दो बार की घटना होती है, लेकिन देखने में आ रहा है कि लगभग 3 किलोमीटर का ऐसा इलाका है सड़क के किनारे का जो पूरी तरह से काला हो चुका है, वो भी इसीलिए कि यहाँ पर लगातार कोयला जो है वाहनों से गिराया जाता है। और निश्चित तौर पर ये ट्रक चालकों की और स्थानीय लोगों की मिलीभगत है, जिसके तहत जो कोयला है वो चोरी होता है, उसकी तस्करी की जाती है और जो उसका मुनाफा होता है, पैसा उससे जो मिलता है, वो वाहन चालक और जो तस्कर हैं ये मिल बांटकर उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, वो पैसा हड़प कर लेते हैं। तो इस तरह से ये कार्यवाही चल रही है। इसमें प्रशासन की गलती ये है कि जब खदान से कोयला लादा जाता है ट्रकों में या वाहनों में, तो उसका वजन किया जाता है और साइटिंग पर, रेलवे साइटिंग पर पहुंचने के बाद भी उनका वजन किया जाता है, लेकिन अगर सड़क पर कोयला गिराया जा रहा है तो रेलवे साइड पर जब वजन किया जाता है तो उसकी मात्रा कम होनी चाहिए, लेकिन कभी भी रेलवे साइड के अधिकारियों द्वारा ये नहीं बताया गया कि कोयले की जो मात्रा है वो कम पाई गई है। तो ये प्रशासन की भी गलती है, इसमें प्रशासन की भी मिलीभगत लग रही है, स्पष्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत बड़ा एक ये जो अपराध है कोयला की तस्करी से संबंधित, ये चलता जा रहा है। जी अमन, और हम बात करें यदि ये जो कोयला यहाँ से लोग जब उठा ले जाते हैं तो क्या कुछ किया जाता है उनके द्वारा, और कालाबाजारी का भी मामला सामने आया, आपने अभी भी इसका जिक्र किया। जी जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि ये कोयला जब वाहनों से गिरा दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है, तो स्थानीय लोग या तस्कर या चोर इसे बोरों में भर भर के या जिसकी जैसी सहूलियत होती है उठा करके साइकिल के माध्यम से वो ले जाते हैं, और जिन लोगों को भी कोयले की जरूरत होती है, चाहे ईंट भट्टे वाले लोग हों या घरों में जो कोयले का इस्तेमाल करके खाना पकाते हैं, रसोई में इस्तेमाल करते हैं, या अन्य जो भी कारखाने वगैरह जहां भी जैसा भी कोयले का इस्तेमाल होता है वहां ये कोयले को बेच देते हैं और इसका ऊंची दामों पर बेचते हैं, जिसके कारण इन्हें काफी मुनाफा होता है, और निश्चित तौर पर ये जो मुनाफे की राशि है वो वाहन चालकों द्वारा भी बांटी जाती होगी, क्योंकि वाहन चालकों की ही कारगुजारियों के कारण ये कोयला गिराया जाता है और उसे उठा करके फिर इस तरह से अवैध तरीके से उसकी तस्करी की जाती है। जी अमन, यदि हम बात करें प्रशासन की तो क्या कुछ उनकी रवैया रहा है सोर? देखिए, प्रशासन का रवैया बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि जो वजन संबंधित, जैसे मैंने अभी बताया कि जब सड़क पर कोयला गिर जा रहा है और रेलवे साइटिंग पर वजन की जांच की जा रही है तो वजन कम होना चाहिए कोयले का, लेकिन इस तरह की कोई भी खबर प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है।
साथ ही साथ ये जो पूरी बाईपास है खदान से लेकर के रेलवे स्टेशन तक, यहाँ पर सुरक्षा बलों की जो पहरेदारी होनी चाहिए ताकि तस्करी की घटनाएं ना हो, लेकिन इस पर ना तो पेट्रोलिंग की जाती है ना गश्त की जाती है सुरक्षा बलों द्वारा। साथ ही साथ जो अवैध रूप से कबाड़ का, कोयले का, लोहे का जो कारोबार है वो खदानों से भी चल रहा है। वाहन चालक भी इसमें मनमर्जी कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, और जो पूरा इसका नुकसान है वो पूरा जो इसका नुकसान प्रशासन को, सरकार को हो रहा है, और जो इसका जो कहना चाहिए कर है, एक तरह से उसकी चोरी की जा रही है। तो बहुत बड़े पैमाने पर ये कोयले के व्यापार में और इसके आवाजाही में एक गड़बड़ी है जिसको जल्द से जल्द सुधारने की आवश्यकता है। बिल्कुल जी, धन्यवाद अपन हमें ये जानकारी प्रदान करने के लिए, और उम्मीद यही होगी कि विभागों को जल्द से जल्द इन स्थितियों में सुधार करना चाहिए। धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।